Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. Welcome to Holistic Programmer. Last time मैंने अपना lecture wind up किया था कि हम जैसे show all data पे click करते हैं तो grid view में show all data कैसे show होता है. अब मैंने यहाँ से अपना data search करके या जैसे ही मैं यहाँ पे click करूँ या फिर मैं पहले search view, जैसे search view पे ऊपर code execute करूँ, मैं ऊपर search view लगाऊंगा तो नीचे सिर्फ वही data show होना चाहिए. Then जिस पे मैं क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट लास्ट रिसेंट एक्टिविटी में आ जाऊँ ताकि मेरा काम अपडेट या डिलीट कर सकूँ. तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल यहाँ पर सर्च व्यू लगाऊंगा आज और इसके अंदर हम कैसे कोडिंग करेंगे या उसका लिसनर कौन सा एग्जीक्यूट होगा तो मैं वो करके दिखाऊंगा. तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, ये शो ऑल डाटा वाली क्लास है. मैं जो चलाता हूँ कंट्रोल पे ऊपर क्लिक करके, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस क्लास के अंदर आ जाएंगे. तो मैं इधर जाता हूँ इसके यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे एक मैं सर्च व्यू बनाता हूँ. सर्च व्यू ये वाला यूज नहीं करना, ये वाला यूज करना है. ठीक है, इसलिए मैच पैरेंट और हाइट रैप कंटेंट और इसका जो क्यूरी हिंट होता है क्यूरी हिंट. ठीक है, इसका क्यूरी हिंट सर्च बाय नेम या ईटीसी. मैं सर्च बाय नेम करूंगा क्योंकि लाइक क्यूरी का इसके अंदर मैं कौन से अपना बताने वाला हूँ कि लाइक क्यूरी हम किस लिए यूज करते हैं और इसका. ठीक है, ये जरा सर्च व्यू ऐसे नजर आ रहा है क्योंकि ये इसके बिलो नहीं है ग्रिड व्यू. दूसरा आईडी मैं करता हूँ सर्च व्यू. सर्च व्यू या जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं. मैं इसको सर्च व्यू ही दूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई सर्च व्यू नहीं है अपने प्रोजेक्ट में. तो मैं इसको बिलो कर दूंगा सर्च, सॉरी कंट्रोल जेड सर्च सर्च व्यू. ठीक है, जैसे सर्च व्यू को ब्लॉक करूंगा तो ये सर्च व्यू अब नजर आने लगेगा. मैं क्या करता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर मतलब लिखूंगा जो भी, तो नीचे ग्रिड व्यू में वही डाटा आना चाहिए जो मैं शो करवाना चाहता हूँ. तो मैं जाता हूँ इसकी जावा फाइल में एक सर्च व्यू वेरिएबल बनाऊंगा. आप प्राइवेट लिख के भी आगे कर सकते हैं बट मैं नहीं लिखता होता. ठीक है, सर्च व्यू ओके. आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एल डाटा अरेंज. उसके बाद अक्सर यूजर को मैंने ये गलती करते देखा है कि वो यहाँ से इनिशियलाइज करना शुरू कर देते हैं सर्च इक्वल टू सर्च. हो तो जाता है, कोड तो एरर नहीं देगा जबकि आप जब चलाएंगे तो आपकी ऐप क्रैश करेगी. तो प्लीज इन तीन लाइनों से नीचे आप अपनी इनिशियलाइजेशन स्टार्ट किया करें, ये तीन लाइन है. ठीक है, ठीक है, इन तीन लाइनों से नीचे. अब मैं यहाँ पे सर्च व्यू करता हूँ. सर्च व्यू सर्च इज इक्वल टू सर्च व्यू फाइल आईडी. सर्च व्यू फाइंड व्यू पर आईडी आर डॉट आईडी डॉट सर्च से मिस्टेक्स ठीक है. सर्च व्यू ठीक है, ये सर्च व्यू बन गया. मैं कहता हूँ सर्च व्यू इस पर से क्लिक हो, क्या करे ये मुझे डाटा सर्च करके दे. तो हम क्या करते हैं, सर्च व्यू तो पर लिसनर लगाएंगे और डाटा हम फेच करके लाएंगे डीबी हेल्पर क्लास से क्योंकि हमारी डाटा बेस वहीं पड़ी है. तो मैं क्या करता हूँ सर्च व्यू को, ये सर्च व्यू बन गया. उसके बाद सर्च व्यू एक लिस्ट बनाऊंगा सर्च डाटा बाद मुझसे वाकई मिस्टेक्स ज्यादा हो रही. ठीक है, ये सर्च डाटा. उसके बाद अडाप्टर, इसको मैं अडाप्टर स्टार्ट करूँ अडाप्टर सर्च क्योंकि वो अडाप्टर जो था दूसरा वो ऑल डाटा का था. मैं कहता हूँ जब ये सर्च हो रहा हो तो ये अडाप्टर सेट हो. ठीक है, अडाप्टर सर्च मैं इसको क्या करता हूँ, खाली लिस्ट है अभी फिलहाल इसके अंदर. और ये मेथड क्या, मैंने लास्ट भी वीडियो में बताया हुआ कि सर्च उन्होंने कैसे हम डाटा इंप्लीमेंट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में डाटा ऐड करते हैं, उसको अडाप्टर को देते हैं और अडाप्टर सर्च व्यू को देते हैं. ठीक है, तो सर्च व्यू क्या करता हूँ, सर्च व्यू डाट इसके ऊपर लिस्नर लगाऊंगा मैं सर्च व्यू डॉट सेट ऑन प्यूरी टेक्स्ट लिस्नर, सॉरी प्यूरी टेक्स्ट लिस्नर. ठीक है, इसके अंदर दो मेथड होते हैं ऑन प्यूरी टेक्स्ट.
एक होता है क्यूरी टेक्स्ट चेंज और एक होता है क्यूरी टेक्स्ट सबमिट। यहाँ पे ये डाटा आपके पास आ रहा होता है, ठीक है, वो जो भी आप उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर लिख रहे होते हैं ये आपको वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला मेथड नहीं यूज करूंगा, मैं ये मेथड यूज करूंगा, आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें यह आप जब तक डाटा सबमिट नहीं करेंगे तो वो सर्चिंग नहीं करेगा, जैसे मतलब यहाँ पे मेरी की रिलीज होती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि इस पर क्लिक हो तो मेरा क्या जी डीबी हेल्पर के अंदर ये डाटा जाए, डीबी हेल्पर डॉट सर्च डाटा, ठीक है। मैंने अभी कोई मेथड नहीं बनाया हुआ था जिसकी वजह से ये डाटा मैं वहाँ पे पास आउट नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ डीबी हेल्पर के अंदर, तो मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक कर्सर, क्योंकि मुझे रिटर्न कर्सर चाहिए वरना मैं बुलियन वगैरह कुछ और बनाता हूँ। पब्लिक कर्सर सर्च डाटा, ठीक है, ये सर्च डाटा। अब जिसके अंदर मुझे रिटर्न भी कर्सर करना पड़ेगा तो इसलिए मैं क्या करता हूँ जी, सर्च डाटा, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कर्सर, कर्सर गेट सर्च डाटा, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग डाटा, जो मैं वहां से डाटा पास करूंगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे दिस डॉट SQLite, सॉरी दिस डॉट SQLite, दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है, या रीडेबल डेटाबेस भी हम कह सकते हैं, राइटेबल डेटाबेस भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक्स, SQLite डेटाबेस, ठीक है, गेट सर्च डेटा, ठीक है, या डीबी, ठीक है। मैं ये करना था, उसके बाद मैं कहता हूँ कर्सर सर्च डेटा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाऊंगा डीबी डॉट रॉ क्यूरी, क्योंकि मैंने कहा था सर्चिंग के लिए रॉ क्यूरी होती है, इसमें कहता हूँ सिलेक्ट, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाता है, आपने जस्ट जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, अदरवाइज ये लेटेस्ट में होता है, ओल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो में ये लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए ये घबराना नहीं है, आप खुद नहीं लिखने बैठ जाना, ये जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन आती है, ओल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर नहीं आती सिलेक्ट, क्योंकि मैं लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लेक्चर बना रहा हूँ, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम कंकैटिनेशन, क्योंकि टेबल नेम मैंने वहां पर ऊपर डिफाइन किया, सिलेक्ट स्टैटिक टेबल नेम, उसके बाद मैं क्या करता होता हूँ, हाँ वेयर वेयर कॉलम टू, क्योंकि मैं नेम की मैं सर्चिंग करना चाहता हूँ, कॉलम टू, ठीक है, लाइक स्पेसिंग का ख्याल रखना है, तो इसलिए फिर आप देना कहना कि सही बोलना, तो ठीक है, सिंगल कोर्स, उसके बाद कंकैटिनेशन, इसके अंदर जो मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉलम किसके इक्वल हो, लाइक, लाइक का मतलब होता है जितने मिलते जुलते, मतलब मेरा नाम अली है तो अली से जितने मिलते जुलते डेटाबेस के अंदर नाम होंगे वो सारे दे देगा, लाइक की क्यूरी इसलिए यूज होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेयर कॉलम इक्वल टू दिस करते तो एग्जैक्ट अली होता तो वो ही आता, अदरवाइज दूसरा अली नहीं आता, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वेयर कॉलम लाइक इज इक्वल टू दिस, अगर मैं एक और चीज ये, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का निशान, ये सॉरी परसेंटेज का, हाँ परसेंटेज का निशान आप एंड पे लगाएंगे तो ये अली ए से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, अगर आप परसेंटेज का निशान स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ये मतलब एंड से ए एल आई मतलब आई से सर्चिंग करेगा, ठीक है, अगर दोनों साइड पे लगाएंगे तो दोनों हिस्सों को मैच करके उनसे जितने मिलते जुलते नेम होंगे वो ले आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये वेरिएबल होता है नल, ठीक है, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, रिटर्न, ये जो रिटर्न सर्च डाटा जा रहा है ये रिटर्न चला जाए, कंट्रोल अल्ट एल डाटा अरेंज्ड, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक हाँ, ये देखो मैं दोबारा अगेन समझाता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक मतलब तमाम कॉलम सर्च करो फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम टू इक्वल टू या लाइक इक्वल टू जिस जो मैं वहां से डाटा पास करूंगा इसके तो वो मुझे दे दे, ठीक है, वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, आप डायरेक्ट भी इसको इस यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न, ये ना लिखने के बजाय, तो मैं अगर इस तरह से करता हूँ तो आप इस तरह उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ डीबी हेल्पर डॉट सर्च डाटा, वो पूछ रहा है यहाँ देखो ये डाटा, ठीक है, यहाँ पे मुझे सेंड करना डाटा,
आप जरूरी नहीं है कि नेम इक्वल ही हो, नेम चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा जो भी हो रहा होगा पास किया, जो भी मैं टेस्ट, तो इसके बाद मुझे रिटर्न कर्सर ही देगा क्योंकि कर्सर में डाटा आ रहा है सर्च डाटा, ठीक है, कंट्रोल अल्ट एल, ठीक है। यहाँ पे जाके मेरा ये डाटा सेट हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल में डाटा आ जाएगा, ठीक है, जो भी ये मेथड पास कर रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं क्या कंडीशन लगाता हूँ मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ गेट सर्च जो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, खाली ना हो, उसके बाद उसके इफ गेट सर्च डाटा डॉट गेट काउंट, मतलब एरर फ्री हो, गेट काउंट ग्रेटर देन जीरो हो, तो मेरा क्या चलेगी इफ या वाइल, ठीक है, वाइल चलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वाइल गेट, क्योंकि इसमें लाइक यूरी काफी सारा डाटा लेके आ जाते हैं, डॉट मूव टू नेक्स्ट, क्योंकि मुझे बार बार सेटिंग करनी है लाइक यूरी मल्टीपल एक एग्जैक्ट डाटा नहीं ला रहती है, जो मिलता जुलता होता है सारा उठा के ला लेती है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ लिस्ट सर्च डाटा डॉट एड, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ गेट सर्च डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग, सॉरी गेट स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है, कॉलम इंडेक्स, ये अग्रेन में बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहा है आई, ये आपने नहीं लिखना ओल्ड में, ओल्ड इंडेक्स के अंदर ये नहीं आता, ठीक है। लिस्ट सर्च डाटा डॉट एड गेट सर्च डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग वन, ठीक है, इसके बाद लिस्ट सर्च डाटा डॉट एड गेट सर्च डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू, क्योंकि मेरा कॉलम इंडेक्सिंग मुझे देनी होती है, जबकि डेस्कटॉप के अंदर दूसरा स्नैरियो उसके अंदर कॉलम नेम देते होते हैं, ठीक है। गेट सर्च डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, सॉरी गेट स्ट्रिंग, उसके बाद थ्री, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जैसे इस लिस्ट में डाटा सारा ऐड हो रहा है, तो ये लिस्ट किसको मिल जाए, जो मेरा अडाप्टर मैंने ऊपर बनाया था, अडाप्टर सर्च इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर, सॉरी न्यू अरे अडाप्टर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है एंड्रॉइड आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ ये लिस्ट सर्च डाटा का जो डाटा है वो यहाँ पे ऐड हो जाए, उसके बाद मैं कहता हूँ जी वी ऑल डाटा डॉट सेट अडाप्टर, ठीक है, कौन सा डाटा सर्च हो ये वाला सेट हो जाए, ठीक है। लिस्ट में पहले डाटा डालते हैं उसके बाद अडाप्टर, जैसे रियल लाइफ में होता है, ठीक है। अडाप्टर वो होता है कि आपके डाटे को किसी शेप में डाल के देन डायरेक्ट हम लिस्ट का डाटा इसको नहीं दे सकते, हमें अडाप्टर को देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चला के दिखाता हूँ, उसके बाद जो एक चीज शो होती है वो आपको बताऊंगा कैसे उसको सेट करते हैं, ठीक है। मैं चला रहा हूँ प्रोसेस 2020 में अपनी ऐप स्टार्ट वाले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरी ऐप ग्रेडल हो रही है, तो ये मेरी ऐप लॉन्च हो गई है, ठीक है। लॉग इन जैसे मैं डीबी हेल्पर रजिस्ट्रेशन उसके अंदर शो ऑल डाटा इसके अंदर जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मतलब बी, ठीक है। मेरी ऐप क्रैश हो गई, तो मेरी ऐप क्रैश हो गई है, क्यों ये क्रैश वगैरह देखता हूँ, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे एरर आ रहा है, your id is equal to this, sorry एक मिनट, send that select style from table name where column 2 like this data null, मेरी ऐप क्रैश इसलिए हुई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जो ये लिस्ट है मैंने उसको जस्ट वेरिएबल वहां पे डिक्लेयर किया, वहां नीचे आके मैंने उसको कहीं इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो लिस्ट सर्च डाटा इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, ये आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि
जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता, नीचे आके इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। आप उस मेथड के अंदर भी कर सकते हैं जहाँ आपका दिल चाहे अपने वॉइस ऐप इंस्टॉल और इंस्टॉल कर, जब तक मेरी ऐप चल जाती है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन आ गई मोबाइल की, मेरी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देन अगेन करता हूँ, मैं डीबी हेल्पर रजिस्ट्रेशन के अंदर जाता हूँ, देन शो ऑल डाटा। अब मैं इसके अंदर सर्च के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ DBHH। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये सर्च तो कर रहा है बट वो नीचे डाटा ऐड तो आ रहा है, जबकि ऊपर वाला डाटा क्लियर होना चाहिए ना। जब मैं सर्च कर रहा हूँ अगेन, देखें ये देखें फिर अगेन डाटा नीचे ऐड हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस एरर को रिमूव करने के लिए जस्ट आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। मैंने पहले इसलिए लिखी ताकि आपको मैं एक बार तो दिखा सकूँ। ये लाइन लिखने के लिए मुझे यहाँ पे जैसे आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है, जब लूप चलने लगे तो आप कह रहे हैं लिस्ट सर्च डाटा डॉट क्लियर। ठीक है, जो पहले लिस्ट क्लियर हो जाए देन डाटा इंसर्ट। मैं अगेन चला लेता हूँ अपनी, आपने सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है देन आपका ये इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगेन अपना कोड रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अगेन सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, मेरी ऐप लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं डीबी हेल्पर रजिस्ट्रेशन, देन मैं जाता हूँ शो ऑल डाटा, देन मैं यहाँ पे क्लिक करके DBhelper लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरा मोबाइल स्लो है। ये मेरी वॉइस है यार, थोड़ा सा इशू। ठीक है, तो मेरा एरर ये है कि ओल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल कर रहा होता है बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मैंने कंट्रोल सी यहाँ पे लिखना है और इसको लूप से बाहर लगता, क्योंकि जब ये क्यूरी चेंज हो रही है तब ये क्लियर होता रहेगा और देन एक्ट ऐड होता रहेगा। मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस विदाउट इंस्टेंट रन, इसको चला लेता हूँ। ठीक है, इस एक लाइन के लिखने से आपका जो बार बार लूप के अंदर डाटा ऐड हो रहा था वो डाटा ऐड नहीं होता। आप इजीली मतलब जैसे ही सर्च हो रहा था सिर्फ वही डाटा ग्रिडव्यू के अंदर या उसके अडैप्टर के अंदर आता है। आप लिस्ट व्यू के अंदर भी ऐसा ही कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, नो चेंज। ठीक है, मैं लिखता हूँ DBhelper। ठीक है, ठीक है, ये देखें कोई डाटा नीचे ऐड नहीं हो रहा बट वो सर्चिंग, ये देखो सेटेड DBhelper दोनों में था तो दोनों ही दे रहा था, जबकि DBhelper ये देखें DBhelper सिर्फ एक में है तो उसे जितना था वो डाटा लेके आ रहा है। ठीक है, नीचे क्लियर भी हो रहा है, देन आप जब रिमूव करते हो देन वो ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत में आ जाता है। तो मैं अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करूंगा, नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी में आ जाए और यहाँ से हम अपडेट और डिलीट कर सके ताकि, ठीक है, सर्चिंग के बाद अपडेशन और डिलीशन होती है, सीक्वेंस होता है। तो अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। देन अल्लाह हाफिज़।